अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इन सोशल स्टडी सब्जेक्ट ऑफ क्लास टू इज एनिमल्स अराउंड अस. ओके, हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि थ्री टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं. ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड टेम आर्पिट एनिमल्स. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल से हम क्या क्या हासिल करते हैं, वो हमारे लिए किस हद तक यूज़फुल है. राइट, ओके. अदर एनिमल्स हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. दूसरे जानवर जो हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं. हेयर आर सम फार्म एनिमल्स. यहाँ पे कुछ फार्म एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनको हम घरों में एज अ फार्म ग्रुप की शक्ल में रखते हैं और उनसे मुख्तलिफ चीज़ें हासिल करते हैं. लाइक बुल्स जो बैल होते हैं, ठीक है, बफलोज जो बैंस होते हैं, एंड हॉर्सेस और घोड़े आर आल्सो केप्ड ऑन अ फार्म. आप लोगों ने तो सुना होगा ना कि फार्म, जिसको हम फार्म बोलते हैं, ये फार्म नहीं है, फार्म है. ठीक है, तो इसी तरह बैलों का फार्म होता है, बैंसों का फार्म होता है, हॉर्सेस का फार्म होता है, शीप्स का भी होता है, गोट्स के भी होते हैं, चिकन्स के भी होते हैं. ठीक है, हम बहुत सारे बुल्स और बफलोज और हॉर्सेस और चिकन एक साथ पालते हैं. ठीक है, उनसे हम दूध हासिल करते हैं, मीट हासिल करते हैं, ठीक है, जो हमारे काम आते हैं. ओके, वी गेट मिल्क एंड मीट एंड लेदर फ्रॉम बफलोस काउस एंड गोट्स. वी गेट, हम हासिल करते हैं मिल्क दूध एंड मीट गोश एंड लेदर चमड़ा. ठीक है, उसका जो स्किन होता है, बड़े ईद पे आप लोग देखते हैं ना कि आप लोग जब कुर्बानी करते हैं जानवरों की, तो उससे आप लोग गोश वगैरह जो है वो अलग कर देते हैं और उनका स्किन जो है उसको अलग किया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड चमड़ा, लेदर. ठीक है, लेदर चमड़ा, तो उसके स्किन को अलग किया जाता है और उसके स्किन को फिर बेचा जाता है. तो उसके स्किन को फिर फैक्ट्रीज़ वगैरह लेकर जाते हैं, वहाँ से उससे लेदर चमड़ा बनाते हैं. जब चमड़ा बन जाता है तो आप लोग जो शूज़, चप्पल वगैरह, बैग्स, जैकेट्स, ठीक है, ये आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं ये उसी लेदर से बना होता है. ठीक है, ओके. बफलोस काउस एंड गोट्स, ये किन किन चीज़ों से हासिल की जाती हैं? बफलोस भैंसों से, काउस गाय से, गोट्स बकरियों से. ठीक है, इनके लेदर मीट और मिल्क जो है हम हासिल करते हैं. लुक एट हेयर इन दिस पिक्चर, वी गेट वूल फ्रॉम शीप. शीप से, ठीक है, जो बेड होता है उसे हम वूल हासिल करते हैं. उसके स्किन के ऊपर ये रफ रफ सा वुलन वो होता है, ठीक है, बाल होते हैं, तो ये उससे अलग की जाते हैं. ये देखें, जिस तरह आप लोग गंजे हो जाते हैं और आपके बाल काट दिए जाते हैं, इस तरह इस शीप को भी गंजा किया जाता है और इसकी वूल को अलग किया जाता है. फिर ये वूल जो है फैक्ट्री लेकर जाते हैं. जब फैक्ट्री लेकर जाते हैं तो उससे वूल बनाते हैं, ऊन बनाते हैं, और ऊन से फिर जो है बड़े बड़े रील्स बनाए जाते हैं, और उससे फिर स्वेटर्स और कैप्स और मफलर्स, ठीक है, जो गर्म कपड़े हम पहनते हैं वो सारे उससे बनाते हैं. लुक एट हियर, ये मिल्किंग अ काउ. ठीक है, काउ से जो है मिल्क लिया जा रहा है. ठीक है, ओके. चिकन्स आर रेयर्ड ऑन पोल्ट्री फार्म. चिकन जो है ये भी बड़ी कीमती चीज़ होती है, इसके भी पोल्ट्री फार्म्स होते हैं. वी यूज़ देयर एग्स, हम उसके अंडे खाते हैं, एंड मीट फॉर फूड, और गोश्त जो है खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. देयर फीदर्स, उनके जो पर होते हैं, मुर्गियों के जो पर होते हैं, आर यूज़ टू फिल पिलोस, उससे तकिए जो है भर ली जाती हैं. ठीक है, जिसपे आप लोग फिर सॉफ्ट सॉफ्ट आराम करते हैं, सोते हैं, सॉफ्ट से होते हैं. एंड मेक डस्टर, और उनसे जाड़न भी बनाए जाते हैं, जिसे ममा डस्टिंग वगैरह करती है, सफाई करती हैं. ठीक है, वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स,
हमें जानवरों से प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए. क्यों? बिकॉज दे आर लिविंग क्रिएचर्स, क्योंकि ये जिंदा मखलूक है. ठीक है, ये भी महसूस कर सकते हैं, खाते हैं, पीते हैं. ठीक है, इनको भी अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है. ठीक है, तो हमें इनका भी ख्याल रखना चाहिए, इनके खाने पीने का, इनके सफाई का ख्याल रखना चाहिए. इनको बिला वजह नहीं मारना चाहिए. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो जानवरों को वैसी ही बिला वजह मारते रहते हैं, कभी स्टिक से कभी पत्थरों से मारते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है. ठीक है, हमें जानवरों, जिस तरह हम इंसानों से प्यार करते हैं, तो इसी तरह हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए. एंड दे आर वेरी यूज़फुल टू अस, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारामत है, यूज़फुल, मुफीद है. ठीक है, फ़ायदेमंद है. हम देखें ना, हम इनसे मिल्क हासिल करते हैं, मीट हासिल करते हैं, इन पे काम भी करते हैं. ठीक है ना, तो हमें एनिमल से प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए. दे कैन नॉट टेल अस, वो हमें बता नहीं सकते, वो बातें नहीं कर सकते. बट दे कैन आल्सो फील, लेकिन वो महसूस कर सकते हैं पेन, दर्द को, हंगर, भूख को, हैप्पीनेस, खुशी एंड सैडनेस, अफसरदगी इन देयर ओन वे. उनके अपने तरीके होते हैं, तो वो उन अपनी तरीक़ों से महसूस कर सकते हैं दर्द को, भूख को, हैप्पीनेस को, खुशी को, सैडनेस, अफसरदगी को. कभी कभार आप देखें ना, स्पेशली बड़ी ईद पे जब जानवरों को कुर्बानी के लिए लेकर जाते हैं, तो उनके आंखों में आंसू होते हैं. अब वो बोल तो नहीं सकते कि मुझे कुर्बानी के लिए मत लेकर जाएं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं. ठीक है, अगर उनको कोई दर्द होता है, पेन होता है या तकलीफ़ होती है, तो बस वो आराम से बैठे होते हैं, उठते नहीं है, खाती पीती नहीं है. ठीक है, तो ये लोग भी महसूस कर सकते हैं. ठीक है, इनके भी दिल होते हैं, जज्बात होते हैं, तो हमें इन पे प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट डू रीडिंग अगेन एंड आल्सो ओरल ड्रिलिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स. अदर एनिमल्स हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. हेयर आर some farm animals, bulls, buffaloes and horses are also kept on farms. We get milk and meat and leather from buffaloes, cows and goats. Chickens are reared on poultry farm. We use their eggs and meat for food. Their feathers are used to fill pillows and make dusters. We must be kind to animals because they are living creatures. Zinda mahlook hai, Allah Ta'ala ne isko bhi paida ki hai. And they are very useful to us. They cannot tell us, but they can also feel pain, hunger, happiness and sadness in their own way. The students, note on the homework, do reading of page 63 on book. Do reading of page 63 on book. Thank you.